नॉर्थ जोन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में हिमाचल भर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध निवारण पर 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अब हिमाचल पुलिस साइबर क्राइम का निपटान करने के लिए निपुण होगी। साइबर अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश ने पुलिस थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को ईमेल और मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने के टिप्स प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश सहित देश भर के साइबर एक्सपर्ट द्वारा पुलिस अधिकारियों को डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने तथा इन्हें लैब तक पहुंचाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। मौजूदा समय में झूठे अफवाह फैलाने वाले लोग और युवतियों की फोटो वायरल करने वाले अपराधियों को ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन अब साइबर की बारीकियों से पुलिस जल्द ही अपराधियों तक पहुंच सकेगी। उपनिदेशक RFSL डॉक्टर मीनाक्षी महाजन ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में 17 पुलिस अधिकारी चंबा, कांगड़ा, ऊना, मंडी, हमीरपुर, लाहौल और स्पीति जिलों से प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो ट्रेनिंग पर्पस है वो X1 सोशल डिस्कवरी है। X1 सोशल डिस्कवरी एक्चुअली है ये कि वो सोशल साइट वेबसाइट्स वगैरह को उसमें कीवर्ड्स के थ्रू हम सोशल मीडिया साइट्स को क्रिमिनल्स के थ्रू पकड़ सकते हैं। जैसे कि कोई क्रिमिनल्स वगैरह कुछ भी फ्रॉड वगैरह कुछ करता है तो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हम वो क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। X1 सोशल डिस्कवरी टूल जो है उसमें पब्लिक पोस्ट, प्राइवेट पोस्ट विद द हेल्प ऑफ X1 सोशल डिस्कवरी हम उस पोस्ट वगैरह को देख सकते हैं। अगर क्रिमिनल्स के फेसबुक फ्रेंड्स वगैरह है वो भी हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स वगैरह किसी ने कुछ पोस्ट किया हो, रिएक्ट किया हो, कमेंट किया हो, तो मेन पर्पस यही है कि X1 सोशल डिस्कवरी से हम क्रिमिनल्स को जल्दी ही जल्द पकड़ सकते हैं। ये CCPWC ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर निर्भया फंड के अंदर स्कीम है, उसका प्रोग्राम है जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्टेट्स को दिया गया है ऑल ओवर इंडिया। उसी श्रृंखला में रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी सेटेलाइट ट्रेनिंग सेंटर डिक्लेयर की गई है और इसमें हम नॉर्थन एरिया के डिस्ट्रिक्ट और 3 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एरिया के उनके SHOs को, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को और जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास SHOs की ट्रेनिंग चल रही है जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें हम अलग अलग जगहों से एक्सपर्ट्स भी बुला रखे हैं ताकि हमारे IOs को पता चले कि साइबर क्राइम से रिलेटेड मामलों में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, किस तरह से एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए, एविडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस कैसे ले जाया जाए ताकि उसकी इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे और क्रिमिनल को सजा मिले। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।